विवेक जी आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, अब आप अयोध्या जाइए मैडम। वो जो सयोनी घोष अभी बोल रही थी यूपी में पैसे हजार सर्कस है, वहाँ भी प्रोटेस्ट करिए मैडम। क्या सर्कस है, एक बेटी के लिए न्याय मांगना सर्कस हो गया। खुले डिबेट में आपका स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र संगठनों पर मंगलवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भाजपा ने इस कार्रवाई के खिलाफ बंगाल बंद करने का ऐलान किया है, हालांकि ममता बनर्जी की सरकार ने इसकी कोई अनुमति नहीं दी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के खिलाफ आज छात्र संगठन ने राज्य सचिवालय तक मार्च किया था। हालांकि इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठियों, आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। अब इस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान किया है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने इस बंद की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आम लोगों से भाजपा के बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह भी किया है। इसी मुद्दे पर विवेक श्रीवास्तव के साथ बीजेपी प्रवक्ता और गोदी एंकर के बीच हो गई जबरदस्त भिड़ंत, अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है आप में और टीएमसी के नेताओं में फर्क नहीं है विवेक जी। नहीं, नहीं। आप कह रहे हैं अननेसेसरी हाइप कर रही हैं, अननेसेसरी हाइप। नहीं, अब आप सुनिए, मुझे बस ये बता दीजिए, संजय जी को उन प्रदर्शनकारियों में छात्र नहीं नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुझे प्रदर्शनकारियों में लेफ्ट के नेता नजर आएंगे? क्योंकि इस तरह से जो प्रदर्शन पर लाठियां बांधी गई हैं, जिस तरह छात्रों को अरेस्ट किया गया कह के हत्या की प्लॉटिंग कर रहे थे, हत्या की प्लॉटिंग, आप उसे सही मानते हैं जी? अब आपको नहीं, अब आप सुन लीजिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो छात्र समाज नाम के एक संगठन ने किया, जो बेसिकली पीछे से एबीवीपी का है। जब इसके लोगों से मीडिया ने जाकर के पूछा नेताओं से कि भाई आप किस संगठन के हैं, तो उन्होंने कहा अब हमारा छात्र समाज तो न्यूट्रल है, लेकिन वैसे हम बीजेपी के मेंबर्स। दूसरा, कल 5 सितारा होटल में छात्र समाज के नेताओं की मीटिंग हुई भाजपाइयों के साथ, और उसमें एक और संगठन जुड़ा जिसका नाम है संग्राम जोथा अच्छा मंच। लिए बहुत अच्छा, संग्राम जोथा मंच जो है वो पिछले कई सालों से 38 वो डीए के लिए एक संघर्ष कर रहा है, उसमें 35 यूनियन है। उनको बोला गया साहब हम हो सकता है संख्या बल ना जुड़ा पाए, इसलिए आप जरूर आइए और हम कोशिश करेंगे कि आपको डीए भी मिले। लेफ्ट फ्रंट इस तरीके की मानसिकता से जो भाजपा ने दिखाई है, टुडेज इवेंट वाज अ बीजेपी स्पॉन्सर्ड इवेंट, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन वाज 0/0, ये सीधी सी बात है, ये वॉलेट था, रॉड लेकर के आप जा रहे थे कौन सा प्रोटेस्ट करने, पुलिस कॉन्स्टेबल्स के सर फोड़े गए हैं, खून बहती हुई तस्वीरें मीडिया में दिखाई गई हैं। कौन रॉड लेके जा रहा था? करते हैं कौन? नहीं नहीं नहीं, रॉड लेके जा रहे हैं भाई, मैंने तो तस्वीरें देखी, कौन रॉड लेकर जा रहा था? लोग जो है लेके गए थे ताकि दिखाने के लिए कि वो भाजपा, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए मैडम। मैं पूरा मीडिया खून बहते हुए पुलिस वालों की तस्वीरें चलेगा आ रहा है पैर से। अच्छा आप किस, नहीं 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 एक मिनट, मैं संजय, मैं विवेक जी सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, आप है किस तरफ जी? आप किस तरफ? हम प्रोटेस्ट करते हैं इशू बेस्ड, इशू बेस्ड, ओ इशू बेस्ड, तो ये इशू आपके लायक नहीं है प्रोटेस्ट करने लायक। कोलकाता रेप और हत्या का मामला आपके लिए प्रोटेस्ट लायक इशू नहीं है, मर्डर इशू नहीं है। हमने प्रोटेस्ट किया, हम भाजपा के डिस्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, भाजपा इज नॉट इंटरेस्टेड। सर देखिए विवेक जी आप डिस्टेबलाइजेशन की बात मत करिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रदर्शन। तो अभय के, अभय के साथ एक सेकंड, विवेक जी को लीजिए, तो अगर भाजपा अभय के माँ बाप के साथ है तो आप भाजपा के साथ नहीं है और आप अभय के माँ बाप के साथ नहीं है। देखिए मैं तो अभी और खबर दिखाऊंगी, इस प्रदर्शनकार, इस प्रदर्शन पर टीएमसी के नेताओं ने जो भाषा बोली आप भी वही बोल रहे हैं, तो आप किस तरफ है ये मुझे पूछना है, ये बीजेपी का प्रदर्शन नहीं है। सुन लीजिए मैडम, हम विक्टिम के साथ हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं, हम ममता बनर्जी के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, सीबीआई जल्द से जल्द। सर बहुत अच्छा है कि आप अपने घर में बैठकर ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, ये बड़ा अच्छा है। रॉड लेकर के ममता जी को ले लीजिए जरा स्क्रीन पे, एक मिनट सुनिए मेरी बात। अब इसका मतलब क्या है ये सारी इंटेलिजेंस, या अब इसका तो सीधा मतलब ये है शाजिया जी कि उनके पास कोई इंटेलिजेंस है कि इस तरह से एक प्रदर्शन में पुलिस को टारगेट करने के लिए प्रदर्शन होगा? उन्होंने तो कहानी बदल दी, पुलिस को
टारगेट करने के लिए प्रदर्शन। शाजिया जी देखिए बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। मैं आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ। खाली करो कि जनता आती है, ये सारे इम्कानात आपको दिख रहे हैं। और आप जरा सोचिए, भाजपा ने खुले तौर पर ऐलान करके बंद का ऐलान किया है। ये बंद का ऐलान है अभय के लिए, अभय के माँ बाप के लिए और न्याय के लिए। ये उनके लिए भी है जो छात्रों को खदेड़ा गया है। और हमारी अपील ये भी है कि जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को लगातार बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, और अब बार बार और सबूत सामने आ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है बाइक जिसमें ये हथियारा घूमता था, जो बाकायदा रात में सेक्स वर्कर्स क्या होकर आया था। आप जरा सोचिए, आप जरा सोचिए किस तरह के लोग पुलिस कमिश्नर किसको अपनी बाइक देते हैं। वो ब्रोथेल होकर आया था, वो कश्मीर में होता है, से मारा। नहीं, एक मिनट, विवेक जी क्या कह रहे हैं, जरा विवेक जी को सुन लेते हैं। बचाजिया जी, और आप देखिए विवेक जी, मैं फिर पूछूंगी, खड़े हैं विवेक जी, मैं फिर पूछूंगी, आप किस तरफ हैं? नहीं, मुझे हद नहीं है। देखिए आप किस तरफ, मुझे बोलने नहीं दे रहे। सुन लीजिए विवेक जी, मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्यों डर रहे हैं? विवेक जी आप क्यों बचा रहे हैं? आप पिटना चाहते हैं ममता जी के गुंडों से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आम लोग नहीं पिटेंगे। वामपंथी नेता पिटने करके बात, आपकी मर्जी है, लेकिन आम इंसान नहीं पिटेगा। बंगाल वासियों ने तय कर लिया है कि वो पिटने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं सवाल भी पूछ रही हूं। आपकी मर्जी है, वो आपकी ख्वाहिश है, वो निजी बात सुन लीजिए। बंगाल एक ऐसा एक लौता राज्य है विवेक जी। विवेक जी आप लोग तो ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आपको लगता है सामने बीजेपी है तो आप एकजुट हो जाते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, देखिए आप कॉमन एनिमी सोलेज बिकम फ्रेंड्स, और इस तरह की जघन्यता में भी आप दोस्त हो जाते हैं। कॉमरेड वृंदा करात आज क्लियरली मीडिया के सामने आई थी, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने टीएमसी को भी एक्यूज करा, लेकिन उन्होंने साफ स्टेटमेंट मीडिया में दिया है कि आपका इवेंट संघ का स्पॉन्सर्ड इवेंट है, जो कि विक्टिम के बेटरमेंट के लिए नहीं है, वो स्पीडी ट्रायल के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक साजिश है कि किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करो वेस्ट बंगाल को और सत्ता परिवर्तन करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल को लाया जाए। और वायलेंट लोगों को आप बेटी के दुश्मन कैसे बन गए? आप बेटी के दुश्मन कैसे? आप क्यों नहीं चाहते कि बेचारी बेटी को न्याय मिले? और सुनिए, और सुनिए, नहीं नहीं विवेक जी, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अयोध्या जाइए मैडम, वो जो सयोनी घोष अभी बोल रही थी ना, टीएमसी के क्या सर्कस है, वही भाषा करिए मैडम, क्या सर्कस है? एक बेटी के लिए न्याय मांगना सरकस हो गया। सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र सड़कों पर नहीं आए, एक बेटी के न्याय के लिए आए, अपनी सुरक्षा, इज्जत और अस्मिता को बचाने के लिए आए। फर्क होता है इसमें, फर्क होता है इसमें। और आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं? विवेक जी प्लीज, शोभा नहीं देता आपको, शोभा नहीं देता आपको, बंद कीजिए ये गंदी घटिया राजनीति। बेटी के दुराचार व्याभिचार पर गिद्ध पॉलिटिक्स प्लीज मत कीजिए, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। मैं एक महिला होने के नाते आपके लिए निवेदन कर रही हूँ, ये नहीं चलेगा। ठीक है, छात्रों को, छात्रों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि एक छात्रा के लिए बंगाल। मैं एक बार संजय जी और विवेक जी दोनों से बात करने जा रही हूँ। ममता जी, विवेक जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये बार बार कहते हैं, कई डिटेल्स अभी तक सामने आई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि क्या ये सामान्य है, संजय जी भी बैठे हुए हैं, संजय जी इसके बाद आपके पास आ रही हूं, क्या ये सामान्य है कि एक हत्या का आरोपी, मर्डर का आरोपी, बंगाल का सवाल, एक ऐसी बाइक चला रहा है, बंगाल का जो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर, दिल्ली वालों से, क्या ये एक ज्यादा एक बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं करता है? और पुलिस कमिश्नर का नाम तो बार बार आ रहा है, बार बार सवाल भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही है। बिल्कुल सही, हम भी उठा रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि हमने तृणमूल कांग्रेस को क्लीन चिट दी है? लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स की तरह करिए ना, हम भी सीएमसी के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर अगर यहाँ पे बीजेपी का इंटरेस्ट विक्टिम के बेटरमेंट में है ही नहीं, और साजिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट लगाओ, ममता को हटा करके सत्ता काबिज करो, और बीजेपी की सरकार को समर्थन करेंगे विक्टिम के बेटरमेंट के लिए, आप करिए बेटे। मैंने वी डोंट सपोर्ट प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल, वी आर वेरी क्लियर। आप ये बोल रहे हैं कि आप भी उनके खिलाफ हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सर सवाल उठाने का एक तरीका क्या है? मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगी, संजय जी और विवेक जी, सिर्फ मुझे स्क्रीन पर चाहिए प्लीज, संजय जी और विवेक जी, मैं एक सवाल सीधा पूछ रही हूँ। चार स्टूडेंट्स लापता हुए, चार स्टूडेंट्स लापता होने के बाद ये सवाल उठा,
कि संजय जी कि ये कहाँ है। सुवेंदु अधिकारी ने सवाल पूछा, आपके फेवरेट हैं सुवेंदु अधिकारी, उन पर आप रोज सवाल उठाते हैं, तो अब वो सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा ये चार स्टूडेंट्स कहाँ हैं, अगर ये इनको कुछ हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी सरकार की। तो पुलिस ने कहा ये चारों हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें, जब प्रदर्शनकारियों ने नर्मदा अभियान के तहत राज्य सचिवालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर और ईंटें भी फेंकी। उन्होंने राज्य सचिवालय की ओर जाने वाले रास्ते को रोकने के लिए लगाए गए अवरोधकों को गिराने का भी प्रयास किया। तो वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह सरकार को अस्थिर करने की साजिश है, गुंडे बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, यह प्रदर्शन न्याय के लिए नहीं है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार की लापरवाही की वजह से आज कल अस्पताल की घटना घटी। इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता सरकार के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।